प्रयागराज के थाना धूमनगंज में एक परिवार के चार लोगों की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। यूपी के महोबा में अजनर थाना अंतर्गत प्रतिदिन चोरी होती हैं कृषकों की बकरियां। झांसी जिले की मऊरानीपुर पुलिस ने बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में मिले शव की हत्या का किया खुलासा। हत्या में शामिल दो युवकों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कुशीनगर के हड्डा पचफेड़वा में एक गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। सुमन नामक औरत की हुई मौके पर मौत। भदोही में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए सीओ भूषण वर्मा ने सूर्यावा थाना क्षेत्र में गणेश रायपुर नागलपुर सहित आधा दर्जन गांव में रमजान व ईद उल फित्र मुस्लिम त्योहारों पर नजर रखते हुए की पीस कमेटी की बैठक। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती देर रात नशे की हालत में दरोगा ने खड़ी गाड़ी पर मारी टक्कर। घटना के बाद एकत्र हुई भीड़ से दिखाई वर्दी की हलन। महोबा में डीएम एसपी ने कोविड 19 वायरस से सतर्कता के दृष्टिगत महोबा शहर के हॉटस्पॉट क्षेत्रों का किया भ्रमण। कानपुर नगर ग्रामीण के अंतर्गत बिल्हौर विधानसभा में कानपुर नगर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस के गौरव द्विवेदी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य व मिश्रक लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी ओम प्रकाश रावत के सहयोग से साइकिल व पैदल चल रहे प्रवासी लोगों को 250 पैकेट खाद्य सामग्री मास्क व सैनिटाइजर का किया गया वितरण। कानपुर के बिल्हौर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में हुई मारपीट। 151 सीआरपीसी के अंतर्गत किया गया चालान। फरुखाबाद जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव मिलने से पुलिस प्रशासन आया हरकत में। एसपी ने पुलिस बल के साथ नगर में पैदल मार्च कर लोगों को किया कोरोना के प्रति जागरूक। मथुरा में डोरीलाल अग्रवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने कार से ड्यूटी कर लौट रहे होमगार्ड की हुई मौत। यूपी के मथुरा में आर्वर्त बैंक में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के दामोदरपुरा में सोमवार को दिन दहाड़े हुई बैंक डकैती की घटना का पुलिस ने 40 घंटे के अंदर किया खुलासा। महिला सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। डुमरियागंज के स्थित मुख्य मार्ग से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए पानी, भुजा, बिस्कुट और राहत सामग्री को पीपुल्स अलायंस की टीम ने बांटा। यूपी के फरुखाबाद में इन्वर्टर से तार निकालते समय करंट लगने से युवक की हुई मौत। कानपुर के ककवन ब्लॉक के गड़ेवा गांव निवासी करुणा शंकर मिश्रा अपने खेत पर गए थे, जहां पर जंगली सुअरों ने किया हमला। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। यूपी के मथुरा में लॉकडाउन में भी नहीं थम रही फायरिंग की घटनाएं। नामजदों ने कहा सुनने के बाद युवक दीपक को मारी गोली। दरअसल गोली मारने के बाद आरोपी बल्लाराम साथियों के साथ फरार हुए। मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र लक्ष्मीनगर इलाके में भारतीय स्टेट बैंक के पास नाली में मिला युवक का शव। युवक की पहचान विपिन पुत्र गंगा निवासी माता वाली गली लक्ष्मीनगर के रूप में हुई। यूपी के मथुरा में जेपीयूएस समिति के द्वारा वार्ड नंबर 23 के अंतर्गत झिंगरपुरा एलपी नगर रोड पर सफाई कर्मियों का किया गया स्वागत। झांसी में कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों को मऊरानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष ने पीपीई किट का किया वितरण। जिला संत कबीर नगर के मगह नगर पालिका क्षेत्र में पूरे नगर पालिका क्षेत्र को सैनिटाइज कराने के लिए नवनिर्मित वाहन का पूजन नगर पालिका चेयरमैन संगीता वर्मा के द्वारा किया गया। गुंडा में दो नन्हे बच्चों ने अपना गुल्लक तोड़कर 2100 रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में किए दान। प्रयागराज के वाराणसी NS2 पर युवा समाज सेवियों के द्वारा रिक्शा व ट्रक वालों को कराया गया पूजन। अगर की तहसील व थाना बागी कस्बा जरार में चौकी इंचार्ज मनीष के द्वारा लोगों के समझाने पर भी लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा, जिसके चलते उन्होंने मोटरसाइकिल पर दो सवारी वालों के काटे चालान। डलमऊ रायबरेली में माहे रमजान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में इबादत कर रहे हैं। बहराइच में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जांच को भेजे गए सैंपल में 11 मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। गोंडा में खुडारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट व घर का सामान तोड़ा। मारपीट के दौरान एक लड़की हुई घायल। बिहार के सुपौल में समाज सेवी आनंद कुमार ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को बांटी खाने पीने की सामग्री। बिहार के समस्तीपुर जिले की मोइनुद्दीन नगर प्रखंड अंतर्गत बाबू सफदरदेव सिंह की प्रतिमा के समक्ष गुरुवार को युवा समाज सेवी रणधीर के नेतृत्व में पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार एवं हमले के विरोध में किया गया प्रदर्शन।
बिहार के समस्तीपुर बछवाड़ा रेलखंड के मोनिद्दीन नगर में राजधानी एक्सप्रेसवे से टकराए युवक गंभीर अवस्था में पीएमसीएच किया गया रेफर। बिहार के बेतिया में 19, 20 व 21 मई को गोली लगाकर होगी 3.50 करोड़ से अधिक के सैरातों की बंदोबस्त। बिहार में 23 नए मरीजों के साथ आंकड़ा पहुंचा 989, सरकार में मची हलचल। बिहार के बेतिया में नव सभापति गरिमा देवी शिकारिया ने जिला मुख्यालय के 4 प्रमुख सबसे बड़े स्कूलों में आवागमन से संबंधित दुर्गाबाग मंदिर से केआर स्कूल रोड के नवनिर्माण का कार्य संवेदक विकास कुमार सिंह के प्रतिनिधि को दिया। बिहार के रामगढ़वा पोस्ट ऑफिस के बाहर बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही है धज्जियां। संत कबीर नगर में मगहर नगर पालिका के चेयरमैन संगीता वर्मा ने मगहर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने जाने वाले प्रवासी मजदूरों को अपने हाथों से पानी और भोजन का किया वितरण। मध्य प्रदेश में रोहतक से टीकमगढ़ आई ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेसवे के माध्यम से कुल 1400 प्रवासी मजदूर टीकमगढ़ पहुंचे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सुबह ग्राम कबूतरा डेयरी पर आबकारी पुलिस ने छापा मारकर अतरार की पहाड़ी से कबूतरा डेरा थाना पलेरा से आरोपी राजकुमार तनय राम सिंह कबूतरा के कब्जे से 62 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा शराब की जब्त। मध्य प्रदेश के सतना में आरंभ युवाओं की एक नई सोच समिति की नई पहल, दूर दूर से बिना चप्पल जूते के पैदल चलकर आ रहे गरीब मजदूरों को बांट रहे जूते चप्पल। मध्य प्रदेश की सत्ता में कोविड 19 के मरीजों के उपचार एवं व्यवस्था संबंधी बैठक हुई संपन्न। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुरुवार को 372 नमूनों की जांच रिपोर्ट आई, 6 नमूने मिले पॉजिटिव। महाराष्ट्र से आए सैकड़ों मजदूर ने दीवा पहुंचकर हाईवे को किया जाम, मजदूरों का आरोप प्रशासन नहीं दे रही है मदद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा मार्ग पर कुलबहरा नदी पुल पर आमने सामने शुक्रवार की दोपहर बाइक और कार में हुई भीषण भिड़ंत, बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके के सहयोग से छिंदवाड़ा रेलवे हेल्थ यूनिट में डॉक्टर सतीश चंद्र डे के साथ साथ हेल्थ कर्मचारियों को पीपीई किट किया गया प्रदान। मध्य प्रदेश के सतना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 8 क्विंटल मादक पदार्थ गांजा सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के एनसीआर में धूल भरी आंधी के बाद हुई ओलावृष्टि। कर्नाटक के बागलकोट में किराने की दुकानों व पान की दुकानों में बेची जा रही है खुलेआम शराब। कर्नाटक के मांड्या में तहसीलदार एम शिवमूर्ति ने राहत के लिए तालुक के दर्जी सहयोगी से की अपील। कर्नाटक के मांड्या में युवा जेडीएम के लोगों की मुश्किलों को देखते हुए नेता बीएम किरण जरूरतमंद परिवारों को किराने का सामान किया वितरित।